भोजपुरिया माटी के अनमोल रतन, नाम भवानी दयाल सन्यासी, जन्म जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, पुस्तैनी गांव बहुआरा, तेंदुनी भीरी, जिला रोहतास। भवानी दयाल सन्यासी भारत के आजादी के ऐसन लड़ाका रहन जेकरा इतिहास में उचित स्थान ना मिलल। भवानी बाबू गांधी जी संगे दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह कैले। दक्षिण अफ्रीका में भारतवंशी लोग के हक के लड़ाई में भवानी बाबू के योगदान गांधी जी से तनिको कम ना रहे। आजो अफ्रीका के कई गो देश में उनका नाम पर स्कूल और कॉलेज चलेला। इतने ना जब भवानी बाबू भारत आईले तो आजादी के लड़ाई में शामिल हो गयी ले। 1940 में अंग्रेज भवानी बाबू के हजारीबाग जेल में बंद कर दिहलन सब। जेल में उनकर परिचय कृष्ण बल्लभ सहाय से भये। ओ घरी राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, विवेकानंद झा जैसन नेता भी हजारीबाग जेल में बंद रहन। जेल में रह के भवानी बाबू कारागार नाव के पत्रिका लिखले। इस पत्रिका के चलते उनकर बहुते नाम भइल। देश के बड़ बड़ नेता उनका के जाने लगले। लेकिन जब देश आजाद भइल तब भवानी बाबू के मान आदर त नहीं मिलल। उनकर लिखल किताबों के कौनो आता पता नहीं खे। कहल जाला कि ऊ 40 से अधिक किताब लिखले, लेकिन एगो दुगो के छोड़ के बाकी कौनो के जानकारी नहीं खे। तो का ही भोजपुरिया लाल संगे अन्याय नहीं खे। भवानी बाबू के जिंदगी पर एक नजर डालल जरूरी बा। नाम भवानी दयाल सन्यासी। बाबूजी के नाम जयराम सिंह। मजबूरी में जयराम सिंह के बहुआरा गांव में करे पड़ल बनिहारी। जमींदार के ताना पर जयराम सिंह छोड़ दिहले गांव। गांव छोड़ के जयराम सिंह पैदले बनारस चल गयले, जहां से गिरमिटिया मजूर बन के गयले दक्षिण अफ्रीका के नेटाल। नेटाल जाए से पहले जयराम सिंह के कलकत्ता में अंग्रेजन के दबाव पर एगो विधवा मोहिनी देवी से करे पड़ल शादी। 1904 में जयराम सिंह दक्षिण अफ्रीका से दौलत कमा के आईले तो आपन गांव बहुआरा समेत इस्माइलपुर और तेंदुनी गांव के खरीद ले लें जमींदारी। भवानी बाबू के जमींदारी रास ना आयल। उनकर बाबूजी जात में रहे खातिर आपन मेहरारू और भवानी दयाल के छोड़ दिहले। भवानी दयाल 8.5 साल तक भारत में रहले, लेकिन 1913 में फेन चल गई ले दक्षिण अफ्रीका। वहां जाके ऊ प्रवासी भारतीय लोग के हक खातिर आवाज बुलंद कैले। दक्षिण अफ्रीका में हिंदी के बढ़ावा देवे में भवानी बाबू के नाम सबसे ऊपर बा। भारत आइला के बाद वहां के ऐसे तब बहुत किताब लिखनी, लेकिन ओकर जानकारी नहीं थे। 1947 में भवानी बाबू एको किताब लिखले, एक प्रवासी की आत्मकथा। एह किताब में भूमिका लिखले रहन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन इहो किताब अब देश में गिनले चुनले बा। भोजपुरिया समाज के ऐसन सपूत पर हमेशा नाज रही। तब भवानी बाबू के याद करी जा और उनकर कहानी दूसरों के बता के अपना माथा ऊंच करी जा। भोजपुरी डेस, आर्यन न्यूज़।